गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास फोर्थ की मैथ स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर स्टडी कर लिया था कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सेट करता है, किस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 हमारी चल रही थी बेटा, जिसमें से बी एंड सी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ए बी एंड सी कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 1.4 का। आज हम लोग डी स्टार्ट करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर डी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को सेट करते हो। नंबर्स को किस पैटर्न में सेट करते हो, किस ऑर्डर में सेट करते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हो बेटा, ठीक है। तो अगर ये गिवन नंबर से आपको, मैं स्मॉलर नंबर्स ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ये चीज़ ना, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं ले रहा हूँ। तो बेटा ये गिवन नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं जो कि किस में गिवन नंबर्स हैं, इनको किस में सेट करना है? हमको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सेट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा है यहाँ पे? 25 है। तो बेटा 27, 32, 25, 53, 71, 49। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया मेरा बेटा? 25 हो गया। तो 25 सबसे पहले आएगा आपका ना, फर्स्ट नंबर पे। फिर 25 तो आपने नोट कर दिया यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट। तो आप रिमेनिंग नंबर्स में 27, 32, 53, 71, 49 में स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया बेटा? 27 हो गया ना। तो सेकंड नंबर पे कौन आ गया बेटा? 27 आ गया। 27 के बाद 27 भी हमारा नोट डाउन हो गया। रिमेनिंग नंबर्स हो गए 32, 53, 71, 49। तो अब यहाँ कौन हो गया आपका? 32। 32 के बाद कौन आ जाएगा बेटा? 49, 53, 71। 25, 27, 32, 49, 53, 71। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट कौन था? 25। उनसे जस्ट बड़ा कौन है? 27, फिर 32, फिर 49, फिर 53, 70। इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं बेटा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखोगे 25, फिर 27 स्मॉलेस्ट हो गया रिमेनिंग नंबर्स में, फिर 32 हो गया स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद 49, फिर 53, फिर सब। या तो आप ऐसे देखोगे कि एक एक स्मॉलेस्ट लिखते जाओगे, ठीक है, या आप ये देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट लिखा मैंने 25, उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी, ग्रेटर नंबर कौन सा है गिवन नंबर्स में। भाई 25 से जस्ट बड़ा नंबर या ग्रेटर नंबर होता है 26, बट हम लोगों को गिवन नंबर्स में देखना है। तो 25 से जस्ट बड़ा गिवन नंबर्स में कौन है? 27। और 27 से 32, 32 से 49, 49 से 53, और 53 के बाद 71 आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, ठीक है। यह असेंडिंग ऑर्डर हो गया बेटा आपका। फिर असेंडिंग ऑर्डर के बाद आप देखते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा क्या होता है आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये कौन सा ऑर्डर होता है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले आप हाईएस्ट वैल्यू लिखोगे, उसके बाद फर्दर आप क्या करते जाओगे? उस वैल्यू को डिक्रीज करते जाओगे, ठीक है। कम्स डाउन, डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है बेटा? कम्स डाउन मतलब धीरे धीरे आप कम होते जाइए अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है, गिवन नंबर्स में। तो मैं आप भाई कोई भी नंबर लिख देता हूँ। ये गिवन नंबर्स हो गए बेटा ना। अब हम इसको किस में सेट कर रहे हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं।
तो गिवन नंबर में हाईएस्ट नंबर कौन सा आपका 161। तो 161 का पहले नोट कर दिया हम लोगों ने। अब 161 के बाद आपका गिवन नंबर्स में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी 155। ठीक है, और 155 के बाद कौन आ गया बेटा 149 के बाद 123, देन 101 और देन 99। तो ये आपके नंबर्स हैं 161 155 149 123 101 99। ये हाईएस्ट हो गया, इनसे कम 155, फिर 149, फिर 123, फिर 101, फिर 99। तो इस तरीके से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर दिया बेटा। ओके बेटा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये रिविज़न हो गया आपका किसका, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, अब हम लोग वाई कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। ए बी सी हो गया था हमारा, हाँ बेटा, तो डी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टेन व्हेदर द ऑर्डर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, टेल द ऑर्डर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके बेटा, तो आपको गिवन ऑर्डर है ऑलरेडी यहाँ पर, उसमें आपको बताना है कि जो ऑर्डर के जो आपको फॉलोइंग नंबर गिवन है वो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट देख रहे बेटा 7975 0 7 3 7 9 7 3 7 9 5 double 0 5 double 0 7 3 7 9 5 double 0 7 5 4 7 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 5 double 0 7
असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप देखोगे ये क्या है, यून वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो 797,550, ये क्या है 797,550, यहाँ होगी वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख, तो ये बेटा क्या हो गया 73,79,500। तो हमें ये कंफर्म हो गया, ये तो क्या था 797,550 था, ये 73 लाख हो गया। इट मीन्स सीधी सी बात है, ये स्मॉलेस्ट नंबर था, ये इससे इंक्रीज़ हो गया ना, वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। इट मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, कि ये वैल्यू छोटी हो गई, स्मॉलर हो गई, ये इससे ग्रेटर हो गया। फिर आगे चलते हम लोग और देख लो, चाहे तो चेक कर लो, वैसे तो हमें पता चल गया जैसे ही वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। फिर भी आप अगर चेक करना चाहो तो 75,110,100,10,000,10,000,10,000,000 का 75 लाख हो गया और ये 77 लाख हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट और वैल्यू इंक्रीज होती जा रही, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके बेटा, कौन सा ऑर्डर हो गया ये बेटा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए पहले, फिर एक साथ ही आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है आपका 555,556,
ट्रिपल फाइव डबल फाइव सिक्स फाइव सिक्स डबल फाइव डबल फाइव फाइव सिक्स डबल फाइव डबल फाइव सिक्स ट्रिपल फाइव डबल फाइव सिक्स ट्रिपल फाइव डबल फाइव और सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स सिक्स फाइव सिक्स ट्रिपल फाइव। तो बेटा आप देखोगे यहाँ पे ये हो गया बेटा वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो फाइव लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, ये फाइव लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड, ये तो क्या था बेटा फाइव लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड था, ये हो गया फाइव लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड हो गया, इट मीन्स ये इंक्रीज हो गया ऑर्डर में। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे आंसर आपका, ये भी क्या होगा आंसर क्या होगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन में देखोगे फर्स्ट और सेकंड में टू नंबर्स में आपको पता चल जाएगा कि वो जो गिवन ऑर्डर है वो असेंडिंग है डिसेंडिंग। ठीक है बेटा, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटा ये यहाँ पे आपकी 1.4 कंप्लीट हो गई है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। तो इसके बाकी टू क्वेश्चंस और है, मतलब वन टू थ्री फोर थर्ड फोर और है, तो आप खुद कर लीजिएगा। ओके, और अब ये 1.4 कंप्लीट होने के बाद 1.4 नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज वन में अब आपको पूरा जो भी आपने अब तक जो भी आपने स्टडी किया है एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक का पूरा आपका रिवीजन होगा यहाँ पे बेटा, जितना भी आपने स्टडी किया उस सब का रिवीजन होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए से, ए है आपका राइट द ग्रेटेस्ट, राइट द राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस, डिजिट्स ओनली वंस। तो आपका फर्स्ट है बेटा 7.5.4। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं बेटा राइट द ग्रेटेस्ट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इस इन थ्री डिजिट से, ये जो 7.5.4 है इन थ्री डिजिट्स का यूज़ करते हुए आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और इन डिजिट्स का आप एक बार यूज़ कर सकते हो, सिर्फ वन टाइम यूज़ करके ही आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं हम लोग बेटा ग्रेटेस्ट नंबर ना, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बेटा, जब आपका जो यूनिट डिजिट है या आप ये कहोगे कि थ्री डिजिट में जो इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो, किस में सेट कर दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो भाई, बड़े से बड़ा नंबर कब होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कब होगा, जब लार्जेस्ट डिजिट कहाँ आएगी, फर्स्ट नंबर पर आएगी, लार्जेस्ट यूनिट कहाँ आएगी, फर्स्ट नंबर पर, तो सेवन फिर फाइव फिर फोर। ठीक है,
यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइड हो रहे हैं ना, पहले सबसे स्मॉल लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 7, फिर 5 और देन 4। तो अगर आपसे बोले ग्रेटेस्ट नंबर बोले आपसे, तो आप उसको नंबर्स को गिवन जो डिजिट्स हैं उनको किस में सेट कर दोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो, सबसे बड़ा 7, फिर 5, फिर 4, ठीक है। या नहीं, इसी से ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है बेटा, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख दो, यानी कि आप कौन से ऑर्डर में सेट कर दो, कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4, देन 5 और देन 7। तो हाईएस्ट नंबर होगा मेरा 754 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर होगा मेरा 457। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? बच्चा मेरे को कह रहा था राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को राइट करना है कब, इन 3 डिजिट्स को यूज़ करते हुए और 1 टाइम यूज़ करना है। तो मैंने कहा ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे पहले आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगी तो 7 सबसे पहले आ गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया, फिर उसके बाद 5 आ गया, फिर 4 आ गया, यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए। और इस तरीके स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर में स्मॉलर नंबर सबसे पहले आएगा, फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया आपने 4, 5, 7। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, सेकेंड क्वेश्चन है 5, 8, 0। 5, 8, 0 तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर, इसका आंसर बेटा ना ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा भाई? बेटा जब ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो आप सबसे पहले कौन सा डिजिट लिखो, ग्रेटेस्ट डिजिट लिखो, तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो गया बेटा आपका 8, देन 5 और उसके बाद 0 आ जाएगा, तो 850 हो गया। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर देखो, अब मैंने कहा था स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप लिख रहे हो तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप सबसे स्मॉलर नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखोगे तो आप कहोगे सर 0 लिख देते, तो अगर आप 0 लिखते हो फिर 5 लिखते हो और फिर 8 लिखते हो, सही है 0, 5, 8। मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है, इट मीन्स तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया मेरा 0, देन 5, देन 8 आ जाएगा लास्ट में। तो अब तो ये तो 58 ही हुआ ना बेटा, सबसे पहले 0 का कोई सेंस नहीं होता है, तो ये तो 58 ही हुआ सिर्फ, तो 58 हुआ इट मीन्स ये क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर ही हुआ, बट कि हमको क्या देना था 3 डिजिट नंबर देना था। तो अगर 3 डिजिट नंबर देना है मुझे तो यहाँ पर 0 के अलावा कोई डिजिट रखना पड़ेगा, कौन सा 0 के अलावा कोई भी डिजिट आप यहाँ पर करो, तो हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, 5 को पहले और 0 को सेकंड नंबर पर डाल देते हैं। तो अब हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गया बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया बेटा 508, ठीक है बेटा? कोई कन्फ्यूजन है? तो ये आपका एक ऑप्शन हो गया, आप इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। बेटा इज इट अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा? और कर लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा ना? तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका बी। हाँ बेटा बी है आपका राइट द सक्सेसर, राइट द सक्सेसर, हाँ राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स,
ए फर्स्ट है इसका बेटा 52099 52099 ओके बेटा 52099 का आपको क्या बताना है, सक्सेसर बताना है। तो मैंने कहा था आपको सक्सेसर के लिए क्या कर देते हो आप, जो गिवन नंबर है उसमें ऐड वन कर देते हो, ठीक है। बाय एडिंग वन इन द गिवन नंबर यू कैन गेट योर सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, कि आप गिवन नंबर में वन ऐड करके क्या ले लेते हो, उसका सक्सेसर ले लेते हो, आपको मिल जाएगा। तो आंसर सक्सेसर ऑफ 52099 इज इक्वल टू 52099 प्लस वन, ओके बेटा। तो 52099 में प्लस वन करोगे आप टू एंड फाइव, तो ये हो गया 52100 52100 ओके बेटा। एक और देख लीजिए, सेकंड और देख लीजिए इसका 6542500 6542 5000 5000 तो सक्सेस ऑफ 6542500 इज इक्वल टू 6542500 प्लस वन इज इक्वल टू 6542501। ऐड कर लीजिए बेटा 6542500 प्लस वन, बेटा जिसको इस तरीके से ऐड नहीं आता वो उस वहाँ पे जाके ऐड करके चेक कर ले अपना। तो 1052456 तो ये आपका आंसर हो गया ना बेटा। तो सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा हम लोग, बाय एडिंग वन इन द गिवन नंबर, ऐड वन करके किस में, गिवन नंबर में, ओके बेटा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ बेटा, तो आज के लिए हमारा लेक्चर यही फिनिश होता है बेटा। तो आज का होमवर्क क्या है आपका, क्या करना है आपको SW में, एक्सरसाइज 1.4 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर डी किया एक तो आज, और हम लोगों ने डू एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज ही है आपकी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आपको करना है, ए एंड बी, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 1.4 का डी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, और डू एक्सरसाइज 1 का ए एंड बी आपको करना है, ओके बेटा। आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं।